तो ये है मेरा घर माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज में, है ना बहुत अच्छा। और अभी मैं बनाने वाला हूँ एक कैसल, बिकॉज राजा तो कैसल में ही रहता है ना। मैं राजा हूँ, हाँ बोलना अगर हूँ तो। ना बोल के चली गई यार। मैंने यहाँ पर मटेरियल कलेक्ट कर लिया एंड बस कॉबल स्टोन स्टोन में बन जाए तो फिर हम स्टोन ब्रिक्स बना लेंगे एंड शुरू करते हैं काम। सो गाइस अभी तो हमारे पास थोड़ी बहुत ब्रिक्स ही है, लेकिन अभी हम शुरू कर देते हैं बनाना। इनसे ही जगह डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना कैसल बनाने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक बेस बनाऊंगा। अभी वो बेस बनाकर मिलता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमें एक ब्लॉक लगाना है, फिर हमें एक दो तीन छोड़ना है और एक ब्लॉक लगाना है और फिर एक दो तीन छोड़ना है एंड एक ब्लॉक लगाना है, ऐसे ही करके हम बनाएंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स लगाए हैं, हमें 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ऊपर करने और एक नीचे, तो ये टोटल 5 हो गया। हर जगह हमें ऐसे ही करना होगा। अरे यार मेरी स्टोन ब्रिक से खत्म हो गई, बना कर आता हूँ। सो गाइस यहाँ पर ये ऐसे बन चुका है, मैंने चारों तरफ वो जो पिलर्स के लिए ब्लॉक लगाया था वैसे पिलर्स बना दिए हैं एंड अभी इसके बीच में हमें वुड को फिल करना पड़ेगा, बट ये वाला स्पेस छोड़कर, बिकॉज यहाँ पर होने वाला है हमारा डोर। यार अब वुड माइन करने, मतलब माइन नहीं काटनी पड़ेगी, हाँ रियल लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड भाई यार वुड बहुत सारी चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़ा एरिया है कैसल वाला। सो अभी इसमें बस हमें ऐसे ऊपर तक वुड फिल करनी है और फिर जो मेन लुक होता है वो कैसल का छत से आता है। तो भाई छत तो मैंने बहुत अच्छे से सोच के रखी है कैसे बनानी है। सो गाइस शिट, बच गया। भाई अभी बच गया, अभी मर जाता ना। अरे यार बस थोड़ी सी वुड कम पड़ गई। अब भाई मेरे आसपास के तो सारे पेड़ ना कट गए हैं, मैंने 3 सैपलिंग्स लगाई है और वो तो ग्रो नहीं हुई। भाई बहुत दूर जाना पड़ता है यार पेड़ काटने। सो गाइस देखो अभी तो मैं वुड माइन कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मेरा घर फ्लावर वैली के कितने पास में है ना, भाई देखो कितनी बड़ी फ्लावर वैली है। सो गाइस ये काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें स्टोन ब्रिक्स और स्टोन की वॉल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हम ऐसे लगाएंगे। देखो स्टोन ब्रिक्स को हमें छत पर एक ब्लॉक छोड़कर एक ऐसे लगाना, देखो ऐसे, यार ये गलत लग गया। तो फिर ये एक एक ऐसे लगाना और इनके बीच में जो जगह है ना वहाँ पर हम लगाने वाले हमारी वॉल। सो गाइस अब यहाँ पर वॉल लगानी कुछ इस तरीके से, हमें बीच में जो भी यहाँ पे जगह बचे एंड यार यहाँ पे तो अभी एक वो भी बनाना टावर जैसा, अभी तो काफ़ी कम बच्चा है कैसल में। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्टोन ब्रिक्स की भी ट्राई करी थी, वो बहुत बेकार लग रही है। कर देते हैं चारों तरफ ताकि जब मैं पिलर्स बनाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। एंड देखो अभी तो बहुत बढ़िया बन रहा है हमारा कैसल एंड मेरी प्रो गिरी देखो। वो भाई हो गया यार, मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सो गाइस अभी मैं ना एक टेस्ट कर रहा है मुझे, मतलब ये अच्छा लगेगा नहीं। देखो ये जो मैंने स्टोन ब्रिक्स लगाए ना एक एक, तो फिर अगर इसके ऊपर भी हम एक ऐसे वॉल लगा दें बस फ्रंट साइड पे, तो फिर ये कैसे लगेगा एक बार चेक करके आते हैं नीचे से। भाई डैमेज खाना पड़ेगा। वेट नहीं यार, वो जो ऊपर एक ब्लॉक लगा है ना, एक वॉल लगाई है, वो अच्छी नहीं लग रही। सो गाइस नेक्स्ट दिन हो चुका है, मतलब अभी मैं सो गया था एंड देखो भाई ऊपर कितनी बार लिखा है यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट। मैं शाम से ही लग गया था सोने में, नींद आ रही थी यार, समझा करो। एंड यार मुझे कैसल में समझ नहीं आ रहा क्या अच्छा नहीं लग रहा, चलो वो टावर्स बनाते हैं एंड देन देखते हैं अच्छा लगेगा या नहीं। भाई बहुत गंदा लग रहा है यार। तो गाइस यार अभी मुझे ना, मैं ना वुड कलेक्ट करके आ चुका हूँ, जो आसपास मैंने 3 पेड़ लगाया था वो तीनों के तीनों ग्रो हो चुके हैं एंड अभी बस ऊपर जाकर, हाँ वो ऊपर नहीं, हाँ टावर बनाना है हमें पहला टावर अपना। मैंने अंदर को एक रूम जैसा बना दिया जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और यार ये कैसल बहुत बड़ा है यार, मतलब इतना बड़ा अभी नहीं है बट बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तो हो सकता है कि इस पार्ट में नहीं कंप्लीट हो कैसल, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, स्टोन की भी ज़रूरत पड़ेगी बट यार स्टोन की भी कमी है, इस सब चीज़ की कमी ही कमी है ब्रो, आयोडीन की नहीं है यार। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं बन रहा टावर, मैंने सारी गड़बड़ कर दी ब्रो टावर बनाने में, क्या करूँ भाई मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा यार, वरना रोज तो मेरा दिमाग दौड़ता है शायद। एंड भाई अभी इसे तोड़ते हैं, अभी इसे पूरा तोड़ना पड़ेगा टावर को, टावर नहीं बहुत बेकार लग रहा है मेरे बाबा।
दिमाग में ना एक आइडिया है, एक ऐसा टावर बनाते हैं, रुको इसे तोड़ के बताता हूँ अभी। सो अभी मैं कमरे की जगह यहाँ पे कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ, एक दो ऐसे एंड कुछ ऐसे ही था, और थोड़ा सा इसे प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये तो दिख भी नहीं रहा भाई क्या बनाया मैंने, अभी मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा। आई थिंक सो मैं इसे कंप्लीट तो अगले पार्ट में ही करूँगा, क्योंकि अभी मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा कि हमें टावर्स को कैसे बनाना चाहिए। भाई साहब ये क्या है, क्या यार कैसे इतना मुश्किल क्यों है। सो यस आप सब्सक्राइब कर दो, एंड हाँ ये एक डेयर है जो मैग्नेटिक जेम ने दिया है, शाउट आउट टू मैग्नेटिक जेम, और उनका डेयर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें हमें एक कैसल बनाना है, आयरन फार्म बनाना है, शुगर केन फार्म बनाना है, एक्सपी फार्म बनाना है यानी कि मॉब फार्म, और हमें एक वो भी बनाना है भाई हाउस जो कि हमने बना लिया है। तो फिर उन्होंने भाई ठीक है मैं कर दूँगा, एंड ये हमारे डेयर का एपिसोड 2 था यानी अपने सर्वाइवल सीरीज का। अभी के लिए हमारे कैसल का लुक कुछ ऐसा आ रहा है, हाँ ये डर्ट वगैरह और टावर्स तोड़ेंगे अगले पार्ट में, और अभी के लिए सो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड में, मैं इस कैसल को कंप्लीट कर दूंगा। चलो बाय बाय।